मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10, हमने यूनिट नंबर 9 में जो हमारे डेटा हैंडलिंग के जो यूनिट था वो हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10 जिसमें पैटर्न के बारे में। तो हमने नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 में हमने पैटर्न देखी थी, बहुत सारे पैटर्न थी तो जिसमें अलग अलग तरह से पैटर्न की मतलब की हुई थी। आज हम वही यूनिट के थोड़ा सा डिप में जाएंगे जिसमें यहाँ पे पैटर्न 10 नंबर का है, 10 नंबर का हमारी यूनिट है। तो इसके यहाँ पे देखते हैं एक्सटेंड द सीक्वेंस, आपको क्या करना है, जिस तरह से दिया है वैसे सीक्वेंस आगे की ओर चलाना है। तो आपने पैटर्न कहाँ कहाँ पे देखी है, करते हैं फ्लोर पे आपकी मम्मी या बहन के जो दुपट्टा होता है उसकी बॉर्डर पे, फिर हमारे घर के बॉर्डर जो लगाते हैं उसमें जो जाले लगाते हैं उसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारे पैटर्न की बुक में उसको हम करते हैं, तो यहाँ पे पहले इस तरह से दिया है, फिर इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैटर्न चलते चलते जैसे कि टी अच्छे से है फिर उल्टा टी है, फिर से अच्छे से टी दिया फिर उल्टा टी है, इस तरह से ये परफेक्ट पैटर्न बनते जाएगा। आपके अंदर जो बुक है उसमें आपको भी ये पैटर्न कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट उसके बाद जो दूसरी पैटर्न की है वो क्या है, टू लाइन वन सर्कल, 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 तो टू लाइन वन सर्कल, टू लाइन वन सर्कल, इस तरह से हमें ये पैटर्न कंप्लीट कर दी है। उसके बाद आगे देखते हैं तो एरो वाले पैटर्न दिए जैसे कि इस तरह से पहले अप एरो, उसके बाद डाउन एरो, अप एरो, डाउन एरो, अप एरो, डाउन एरो, अप एरो, डाउन एरो, अप एरो, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से एरो जो रखे है इसको हम एक तरह से पैटर्न की ओर से हम कह सकते हैं। फिर वी, तो वी है फिर उल्टा भी है, फिर से वी है, फिर से उल्टा भी है, इस तरह से ये पैटर्न भी बनाए गए। तो किस तरह से, इस तरह से वी वी ये करके आपको पैटर्न दिख रहे हैं। उसके बाद और एक पैटर्न दिए, टू सर्कल वन डैश, टू सर्कल वन डैश, टू सर्कल वन डैश, ये आपको कुछ इस तरह से भी दिखेगी जैसे कि रेक्टेंगल के दोनों साइड सर्कल, रेक्टेंगल के दोनों साइड सर्कल, रेक्टेंगल के दोनों साइड सर्कल, इस तरह से भी हम कह सकते हैं और इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। आप जिस तरह से सोचोगे ये इस तरह से पैटर्न है, तो ये भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट उसके बाद मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल, इस तरह से पैटर्न है। आप घर पे अभी तो मैंगो नहीं मिलती है, तो आप क्या करोगे, एप्पल भी मिलते हैं तो एप्पल ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज रखते इसे पूरी लाइन बन गया। आपकी मम्मी अगर 1 किलो एप्पल और 1 केजी मैंगो लाए तो एप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो, तो आप ये भी देख सकते हो कि कितनी मैंगो आए, सॉरी कितनी ऑरेंज आए और कितनी एप्पल आए, तो इसके हिसाब से आपको पता है। फिर उसके बाद डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम इस तरह से है, ये एक पैटर्न की वर्ड है, ये भी एक तरह की आपको पैटर्न दिखाई दे रही है। नेक्स्ट और थोड़ी सी उसी थोड़ी सी टिप में मतलब एडवांस पैटर्न दिया आपको अलग से, तो व्हाट्स कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, इसके बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा इसके हिसाब से यहाँ पे आपको ये जो पेज सेकंड पेज पे टर्न योर पेज पे, तो ये आपको पैटर्न कंप्लीट करना। तो क्या है इसका,
सर्कल, फिर सर्कल पे क्या बना दिया आपने, सर, फिर से सर्कल, फिर से क्या होगा, सर, फिर से सर्कल, फिर से सर्कल, तो आपको अब पता चल गया सिस्टम हमें इस तरह से चलते रहना है। उसके बाद नीचे की ओर है, जैसे कि आप बाउल ले लो, आपकी घर में बाउल है, तो एक बाउल अच्छे से रखो, दूसरा उल्टा रखो, फिर से बाउल रखो, फिर से उल्टा। तो पहले यहाँ पे क्या किया है, उल्टा रखा है बाउल, फिर सीधा रखा, फिर से उल्टा रखा है, फिर से सीधा, फिर से उल्टा, फिर से सीधा, इस तरह से ये पैटर्न बन गया। उसके बाद और एक दिए, इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी पैटर्न दिए लेकिन क्या करना है, उसके सीक्वेंस को आपको अच्छे से बनाए रखना है कि पहले ये, फिर उसके बाद ये, तो उसके बाद ये, इस तरह से पैटर्न आपकी बनेगी। फिर देखो फ्लावर लिफ्ट, फ्लावर लिफ्ट, फ्लावर लिफ्ट, फ्लावर लिफ्ट, इस तरह से वो चलता है। फिर देखो कोई फेस बनाया गया आपको, आपको किस तरह से फेस बनाने, देखो सबके अंदर आए है, यहाँ पे ओ कर रहा है, ओ, और यहाँ पे उसके बाद ये ओ कर रहा है, ये हंस रहा है, फिर से ये ओ कर रहा है, फिर से ये हंस रहा है, ये ओ कर रहा है, फिर से ये हंस रहा है। देखो आपके अंदर जैसे वैसे पैटर्न मैंने बना सकता हूँ, यस। उसके बाद और एक है सर्कल में स्क्वायर, स्क्वायर में सर्कल, 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 इस तरह से पैटर्न है। फिर ये पूरी है सर्कल में स्क्वायर, फिर ये है स्क्वायर में सर्कल, सर्कल में स्क्वायर, स्क्वायर में सर्कल, सर्कल में स्क्वायर, स्क्वायर में सर्कल, काम इस तरह से ये पैटर्न आप कर सकते हो। उसके नीचे वाली पैटर्न जो है वो आपको अपने आप रिलीज करनी है, तो ये भी आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें कंप्लीट करो। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें दिया है पैटर्न इन शेप्स, जो शेप्स है उसके हिसाब से हमें पैटर्न बनानी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैटर्न हमें सीक्वेंस नहीं करना है, यहाँ पे सीक्वेंस किए हुए लेकिन बीच में से मिस कर दिए कोई सीक्वेंस, तो वो मिस किया हुआ कौन सा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे उसको ड्रॉ करना है। इस तरह से दिया है, तो फर्स्ट जो है वो मैं ढूंढ लगा हूँ, मिलेगा फ्लावर है, फिर से लीव, उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लेम जो है इसको नहीं, फिर फ्लावर और लास्ट में सॉरी यहाँ पे फिर बॉक्स हो रहा है, फिर लास्ट वाली बात ज्यादा बॉक्स नहीं है तुम्हें नहीं लगता। उसके बाद वाले पीछे वाली है सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो अब क्या आएगा, फिर से सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, बॉक्स, फिर सर्कल, राइट, ठीक है। उसके बाद वाले थे उसने क्या किया है, फर्स्ट बॉक्स में वन,
दो बॉक्स में से सेकंड बॉक्स में दो, थर्ड बॉक्स में थ्री, फोर्थ बॉक्स में वन वन ही पॉइंट रखते जाता है, इस तरह से आगे चलते जाता है। फिफ्थ में हम थोड़ा भी रन करते हैं इस तरह से, ये वाली पैटर्न भी आपको करनी है। उसके बाद नीचे की ओर बहुत सारी है, देखो पहले वन इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पे आपको करनी है। अब इसका आंसर लिखते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पे लीफ फ्लावर, लीफ फ्लावर यहाँ पे क्या आएगा, होंगे इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद देखो तो मोमबत्ती वाला है, फिर लीफ वाला है, वो आपको देखो यहाँ पे भी सेम से भी वर्ड तो लीफ एक क्या होता है, टू टू यहाँ पे बढ़ते हैं, जैसे कि पहले में वन है, सेकंड में थर्ड, फिर से उसमें टू एड किए, फिर से इस तरह से ऐड करते हैं। लास्ट वाली एक पैटर्न है, इस तरह से पैटर्न दिया आपको, फिर इस तरह से पैटर्न दिया, इस तरह से दिए और एक बॉक्स में इस तरह से, यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा पेंटागॉन था, इसमें से वन स्टिक ले लेते, फिर ये वाली ले, अब ये वाली मैं ले लेता हूँ, तो इस तरह से बन गया। अब ये वाली ले लूंगा, इससे बनने पर ये वाली बचे, इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट कर लेते। ये जो पैटर्न है बाकी की नीचे की ओर, तो ये भी बाकी जो रह गई वो आपको अपने आप फिनिश करनी है। नेक्स्ट पेज यहाँ पे लिखा है स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर, आपको जो पैटर्न दिए वो आपको स्टडी करनी है, फिर उसमें जो मिसिंग नंबर होते हैं वो आपको लिखने हैं। यहाँ पे सीक्वेंस में भी नंबर हो सकते हैं, थोड़े ब्रेकअप नंबर के बाद मतलब इस तरह से नंबर हो सकते हैं, ड्रॉप नंबर, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे वन थ्री फाइव सेवन, उसके बाद दो बॉक्स और लास्ट में थर्टी, इस पैटर्न में देखते हैं हम तो क्या है, वन थ्री फाइव सेवन, फिर टू ब्लैंक दिए और लास्ट में थर्टी, तो क्या सिक्वेंस हो सकता है, हम सोच सकते हैं कि वन में कितनी ऐड करेंगे तो थ्री होगी, टू वन में टू ऐड करेंगे तो थ्री होंगे, तो चलो मैं वन में टू ऐड करता हूँ तो वन टू थ्री, तो किया गया, या फिर थ्री में टू ऐड करता हूँ तो फोर फाइव, थ्री में भी थ्री, फाइव में ऐड करता हूँ तो सेवन, अब सेवन में टू ऐड करूँगा तो सिक्स, सॉरी सेवन में टू ऐड करूँगा तो एट नाइन, तो यहाँ क्या आएगा नाइन, नाइन, नाइन में टू ऐड करता हूँ तो
टेन इलेवन, इलेवन में ट्वेल्व करेंगे तो ट्वेल्व थर्टी, देखो कंप्लीट हो गया सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी ये पैटर्न थी जो हमें कंप्लीट करनी थी। तो आप भी अपनी ये पैटर्न लिख दो अच्छे। उसके बाद और एक पैटर्न दी है हमें, इस तरह से दिए। फिर वहां पे लिखा है 22, 21, 20, फिर टू बॉक्स 10 है और 17 और 16। ये वाला पैटर्न में हमें क्या लिखता है, क्या डिफरेंट है और किस तरह से लिखी हुई है ये, तो मैं इस तरह से भी देख सकता हूँ 22, 21, 20, फिर दो बॉक्स ब्लैंक है, फिर 1760। तो ये मतलब 22 से 11 नंबर क्या होता है, माइनस होता है, तो यस ऐसा भी लगता है मुझे। अब मैं उल्टा देखता हूँ तो 1617 फिर टू बॉक्स ब्लैंक है, फिर 20, 21, 22, तो इस उल्टे से मैं देखूंगा यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ से एक एक नंबर बढ़ता है पीछे की ओर से 1617 से। चलो मैं वैसे ही लेता हूँ 1617 18, क्या है उसके बाद 11 नंबर में ऐड कर दिया 18, उसके बाद 1920 देखो कंप्लीट हो गया 21 22, अब उल्टा जाता है 22 में से 1 निकालेंगे तो 21, 21 में से 1 निकालेंगे 22, 22 में से 1 निकालेंगे तो 19, 19 में से 1 निकालेंगे तो 18, 18 में से 1 निकालेंगे तो 17 और फिर 16। तो ये हमारी ये जो पैटर्न है हमने कंप्लीट की है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से सीक्वेंस में आता है, इसीलिए हमें यहाँ पे 19 और 18 लिखने। चलो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिख दो बेटा। उसके बाद और एक पैटर्न दी है आपको ट्रेन वाली, हम क्या करते हैं उसको पहले थ्रो करते हैं अच्छे से, फिर उसके बारे में हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हमने, ट्रेन का इंजन, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है। इस तरह से मैंने ट्रेन कंप्लीट की, अब उसके अंदर जो नंबर दिया मैं वो कितने नंबर है, वो नंबर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखे हैं 10 नंबर, फिर 20, इसके बाद 30, फिर 10 बॉक्स एक डब्बा ब्लैंक है, फिर 50, फिर से ब्लैंक। जब आप मुझे बताओगे इसमें किस तरह से ये हम मिसिंग नंबर, कौन से नंबर मिसिंग हो गए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10, 20, 30, फिर बॉक्स ब्लैंक है और फिर 50। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको खुद करना है घर से, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। और बाकी के जो फिर उसके बाद जो मिसिंग नंबर वाले पैटर्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये पैटर्न तो आपको घर से करना है, और नेक्स्ट टाइम मैं इसको भी सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपने कोई मिस्टेक किया तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आंसर कौन सा आता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट मैंने बोला कि आपको वो 1 टू 50 के नंबर कंप्लीट आने चाहिए। नेक्स्ट मैं एक वीडियो बना हुआ जिसमें आपको 1 टू 50 के 1 टू 100 तक के नंबर लिखने आएंगे। देखिए वो थोड़े पहले आपको 1 टू 50 के नंबर अच्छे से पता होंगे कि 5 4 5 कितने होते हैं, 4 5 कितने होते हैं, 45, तो इस तरह से आपको आने चाहिए, तो तभी आप नेक्स्ट और भी जो नंबर से सीख सकते हो। तो ये सारे 1 टू 50 के नंबर आपको कंप्लीट करने हैं और उसके हिसाब से ये वाले पैटर्न भी आपको घर से कंप्लीट करनी है और बाकी का जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।